कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मारिया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, कब लौटेंगे? मालूम नहीं। और मैं यहाँ अकेली रहूंगी? पूरा घर है, सब लोग हैं, और वैसे भी आपको अकेले रहने का बहुत शौक है। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी सबको अपना ध्यान रखना खुद आना चाहिए। विल यू एक्सक्यूज मी प्लीज सर? मैडम, हेलो। हेलो भाभी, बॉबी है। हाँ बोलो भाभी। वो एक जरूरी काम था, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए था। मैं नीचे स्टडी में हूँ, आप आ सकती हैं? ऐसा क्या जरूरी काम है? आप आई तो सही। ऑलराइट। हाँ बॉबी। बॉबी, ये क्या है? You're looking cool tonight. What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? Come on, don't be a prude. बंद करो ये सब नाटक। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और भाई के बीच क्या है। या क्या नहीं है, लेकिन हमारे बीच बहुत कुछ हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। I promise. What's it? भाईजान घर आ गया। अब घर चले जाइए। जी। मुल्ला की दौड़ आखिर मस्जिद तक। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे सब कहने की, ऐसा सोचने की भी? Move! नहीं। वाहियात हरकत नहीं कर सकता। You are absolutely right, mama. Definitely she must have done something. इसी ने कुछ किया होगा। इसी ने उकसाया होगा मेरे ब्रदर को। और ये उकसाना आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है। मामा, आप जानते हो, जब मैंने इसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो इसने कहा इसमें हर्जी क्या है, जरूरी नहीं किसी को पता चले। I was shocked, mom. झूठ, सब झूठ। राम, राम, ये सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ राम, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा, ये मेरा विश्वास करेगा, है ना राम? माँ, आप झूठ बोल रही हो। माँ बेटी, तुम क्या कह रहे हो? बस बहुत हो गया झूठ। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते आए, और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हारी ये बेवजह नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजलि झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है। अच्छा, तो हमारी बात से ज्यादा इसकी बात पे यकीन होने लगा? तो फिर हमारा इस घर में क्या काम? ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे, हम फार्म हाउस चले जाएंगे। क्यों? जैसे आप मुनासिब समझे। आपने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा माँ। हाँ। जो आपको मंजूर हो। ठीक है, ठीक है, चलो 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 निकी, चलो बॉब, हम चलते हैं यहां से। सुनी,
मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है, कि इसके चरित्र पे दाग है। दोस्तों, आज राम और अंजलि की शादी की तीसरी सालगिरह है। तीसरी सालगिरह, ए हे, थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी। What a fabulous couple! चलो अभी तीसरी सालगिरह पे गले मिलो। Okay, it's my pleasure. क्या देख रहे हो? You're looking so beautiful. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बात नजरों की है, वरना बात कुछ भी नहीं। Happy anniversary, wifey. Happy anniversary, hubby. I love you. अरे, ये दूल्हा दुल्हन बने 3 बरस हो गए, हनीमून का निशा अब तक नहीं उतरा। Oh my baby. आप बिना मिसेज मल्होत्रा कभी नहीं मानेंगी। अच्छा, वो आपके गेस्ट आने वाले थे लंदन से, क्या हुआ? उन्हीं को देख रही हूँ, अब तक नहीं आए। अच्छा यार, अपनी बीवी को कभी दोस्तों में भी टाइम पास कर लिया? मेरी गर्ल सुन, बन जा। ओह नो, ये तो बड़े ही चिपकू हैं। ओह मिसेज मल्होत्रा। अच्छा अंजलि, इट वॉज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू। दरअसल मेरी मेहमान दिल्ली में नए नए आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो दिल्ली की हाई सोसाइटी का माहौल भी देखे। ओह नॉट एट ऑल मिसेज मल्होत्रा, आपके मेहमान तो हमारे मेहमान हैं। ओह यू आर सो स्वीट। अरे वो आ गए। दैट्स देव। देव? अंजलि, दोस्तों को चाहे कितना भी मना कर लो, लेकिन वो तोहफे जरूर भेजते हैं। उनका प्यार दिखाने का तरीका ही अलग है। इतना कीमती तोहफा ये किसने भेजा? With best wishes, देव। देव, ये कौन सा दोस्त है हमारा? वो मिसेस मल्होत्रा। मिसेस मल्होत्रा के वो दोस्त? वो जो लंदन से आए हैं। लेकिन जाना, इतना कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत है उन्हें? तो लौटा देंगे। हाँ? नहीं नहीं नहीं, इतने प्यार से दिया उन्होंने, रख लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, अपने तरीके से लौटाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। हाँ? मैं देखता हूँ, पकड़ो से। हेलो, हाँ मिसेस मल्होत्रा जी, बोलिए। या जी, आप ही की बात कर रहे थे। कल रात, एक मिनट, जरा मैं अपनी बीवी से पूछ लूं। एक सेकंड। अंजलि, वो जो मिसेस मल्होत्रा का गेस्ट है ना, देव साहब, वो उन्होंने एक पार्टी दी है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों वहां पहुंचे, तो क्या ख्याल है? जो आप ठीक समझे तो हाँ कह दूं। I love you. हेलो, हाँ जी, हाँ हम पहुंच जाएंगे, हम दोनों आ रहे हैं। ओके मिसेस मल्होत्रा, ओके, थैंक यू, गुड डे। हो गया, इट्स डन, दे आर कमिंग देव। थैंक यू, शुक्रिया मिसेस मल्होत्रा, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती थी। ये पार्टी इस शहर की सबसे बेहतरीन पार्टियों में से होगी, और जानती हो उसे बेहतरीन कौन बनाएगा? मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा दोस्त जो हर बात में मेरा इक्वल है। क्यों पार्टनर? क्यों नहीं देव, लंदन से इतनी दूर तुम्हारा साथ देने तो आई हूँ। आखिरी मंजिल तक साथ देगी तुम्हारा शीतल वर्मा। ओ शीतल, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। पार्टनर्स हो तो तुम दोनों जैसे। ओके देव, कल पार्टी में मुलाकात होगी। बाय शीतल, सी यू एट द पार्लर। बाय डार्लिंग। मिसेस मल्होत्रा,
She's a number. बहुत वक्त के बाद ये वक्त आया है। तुम्हारा वक्त आने से कौन रोक सकता था देव? वक्त वक्त की बात है। कल तक तुम अकेले थे, आज जमाना साथ है। सच आज तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुश हो ना देव? बहुत खुश, बहुत बहुत ज्यादा। शीता, आज तक उसके बारे में तुमने मुझसे सिर्फ सुना था, जब देखोगी ना तब समझोगी कि मैं इस कदर उसके बारे में क्यों दीवाना हुआ, क्यों पागल हुआ। क्यों ये देव मर कर भी जीता रहा, जब मिलोगी ना तब समझोगी। मिलूंगी, मैं उससे मिलूंगी। Beautiful party, what beautiful people. I am so excited. Wow, this place is something. It's lovely and happening. Hi! Tum yahan kya kar rahi ho? Dev ko janti ho? Mm-hmm. To phir? Dilli ka har aadmi yahan maujood hai. Phir hum kyun piche reh jaye bhai? Waise ye Dev karta kya hai? कोई कहता है बिजनेस मैग्नेट है, कोई कहता है कंप्यूटर विजार्ड है, कोई कहता है किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है, पर सानू की अपना तो उसूल है, नाचो गाओ खाओ पियो और कैच आउट कर दो। ये मौसम की नई बहार है डार्लिंग, ही इज द फ्लेवर ऑफ द मंथ। राइट, फ्लेवर ऑफ द मंथ। चीयर्स।